नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? हम फिर से आ गए हैं देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलिए शुरू करते हैं। खबर आ रही है उत्तर कोरिया के ड्रोन को नष्ट करने के लिए दक्षिण कोरिया स्टार वॉर्स लेजर हथियारों की तैनाती करेगा, जो हनवा एरोस्पेस के साथ मिलकर बनाए गए हैं। अधिकारियों ने बताया है कि नग्न आंखों से ना दिखने वाली लेजर बीम फिलहाल ड्रोन नष्ट करेगी, लेकिन भविष्य में इसकी शक्ति बढ़ने के साथ ये एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइल को भी मार गिराएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। न्यूयॉर्क अमेरिका में आसमान में दो विमान आपस में टकराने से बाल बाल बच गए, जिसका वीडियो सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों विमानों के बीच की दूरी करीब 700 फीट रह गई थी। CBS न्यूज के अनुसार एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने एयरपोर्ट पर एक ही रनवे से एक विमान को प्रस्थान जबकि दूसरे को लैंडिंग की अनुमति दे दी थी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने केंद्र सरकार को बताया है कि श्रीलंका ने राज्य के 13 मछुआरों को गिरफ्तार कर उनकी 3 नौकाएं जब्त कर ली हैं। तमिलनाडु के CM ने केंद्र सरकार से मछुआरों की रिहाई के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया है। बकौल स्टालिन, श्रीलंकाई अधिकारी अब तक 80 मछुआरों को हिरासत में ले चुके हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को एक कार्यक्रम में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की की गलती से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन कह दिया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति ट्रंप भी कहा है। आगे बढ़ते हैं। इसराइल में वेस्ट नाइल फीवर के चलते 12 और लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद मई की शुरुआत में अब तक मरने वाले लोगों की संख्या 31 हो गई है। वहीं 405 संक्रमण के मामले सामने आए। बकौल स्वास्थ्य मंत्रालय, गर्म और आर्द्र मौसम के चलते मच्छरों की संख्या बढ़ी है, जिससे वायरस का संक्रमण फैल रहा है। चलिए अब एक और खबर आ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है कि COVID-19 से अब दुनिया भर में एक हफ्ते में करीब 1700 लोगों की मौत हो रही है। WHO के अनुसार स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और 60 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों में COVID-19 की वैक्सीन लेने में कमी देखी गई है। WHO ने ऐसे लोगों से वैक्सीन लेने का आग्रह किया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। द्विवार्षिक एशियाई अमेरिकी मतदाता सर्वेक्षण के मुताबिक अमेरिका में 2020 में हुए चुनाव और 2024 में होने वाले चुनाव की अवधि के दौरान राष्ट्रपति जो बाइडेन का समर्थन करने वाले भारतीय अमेरिकियों की संख्या में 19% की गिरावट आई है। बकौल सर्वेक्षण 46% एशियाई अमेरिकी बाइडेन के पक्ष में मतदान कर सकते हैं, जो 2020 के चुनाव के मुकाबले 8% कम है। बढ़ते हैं खबर की तरफ। US में जेट एयरलाइंस के एक विमान में टर्बुलेंस के कारण अपने ऊपर गर्म चाय गिरने से बुरी तरह झुलसी एक महिला ने एयरलाइंस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए 12.53 करोड़ का मुआवजा मांगा है। 15 मई को हुए हादसे के दौरान महिला फ्लोरिडा से कनेक्टिकट जा रही थी। बकौल महिला, क्रू मेंबर ने उनकी मदद नहीं की। आगे बढ़ते हैं। दोहा कतर से कोकेन के 34 कैप्सूल पेट के अंदर छिपाकर दिल्ली पहुंचे एक महिला को IGI एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने महिला के पेट से ड्रग्स के कैप्सूल निकाले। बरामद ड्रग्स की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार को 7 करोड़ से अधिक आंकी गई है। आगे बढ़ते हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन में रूस के तत्काल हमले रोकने की मांग वाले प्रस्ताव से दूरी बनाई है। इसमें मांग की गई है कि ज़ापोरिज़्या परमाणु ऊर्जा संयंत्र से रूस अपनी सेना को वापस बुलाए। 193 सदस्य UN महासभा में गुरुवार को इस प्रस्ताव के पक्ष में 99 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 9 वोट पड़े। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ये समझे कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस की मदद करने के परिणाम चीन को भुगतने पड़ेंगे। बाइडेन ने कहा, हमारे कुछ यूरोपियाई मित्र चीन में अपने निवेश को कम करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, हमें पश्चिम में एक नई औद्योगिक नीति की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस के अधिकारियों ने बताया है कि नाव से इंग्लिश चैनल को पार कर फ्रांस से ब्रिटेन जाने की कोशिश कर रहे 4 प्रवासियों की मौत हो गई है। फ्रांस के तट रक्षक बल ने 63 लोगों को बचा लिया है, जिन्हें चिकित्सा सहायता दी गई है। प्रवासियों की नाव उत्तरी फ्रांस के वोलोगनेसुर मेर के तट के पास पलटी थी। आगे बढ़ते हैं। जापान में एक 20 वर्षीय युवती समुद्र में तैरने के दौरान 80 किलोमीटर दूर बह गई थी, जिसे 36 घंटे बाद रेस्क्यू किया गया था। सोमवार शाम को युवती के दोस्त ने कोस्ट गार्ड को उसके लापता होने की सूचना दी, जिसके बाद से उसकी तलाशी की जा रही थी। 3 दिन बाद एक कार्गो शिप ने युवती को देखा। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के बाद भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने अपने अमेरिका समक्ष जैक सुलविन से फोन पर बात की और भारत अमेरिका संबंधों के बारे में चर्चा की। दोनों देश साझा मूल्यों और समान रणनीति एवं सुरक्षा हितों पर आधारित भारत अमेरिका संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं। चलिए एक बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव 2024 से पहले मेटा ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर लगी सभी पाबंदियां हटा दी हैं। बकौल मेटा, इससे लोग राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को समान तरीके से सुन पाएंगे। जनवरी 2021 में कैपिटल बिल्डिंग में हुई हिंसा के बाद ट्रंप के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगाया गया था।
अगली खबर आ रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन को बड़ी रकम दान दी है। कुछ महीने पहले मस्क ने कहा था कि वो ट्रंप या राष्ट्रपति जो बाइडेन के कैंपेन पर पैसा खर्च नहीं करेंगे। ट्रंप के कैंपेन ने जून में करीब $112 मिलियन जुटाए थे। एक और खबर आ रही है, चीन की स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी शाओमी ने चांगपिंग में अपनी नई ऑटोनॉमस स्मार्ट फैक्ट्री का अनावरण किया है। इस फैक्ट्री में 24 घंटे सातों हफ्ते काम होता है और वो भी किसी मानव श्रम के बिना। ये फैक्ट्री हर साल 1 करोड़ हैंडसेट बना सकती है और इस दौरान उत्पादन संबंधित समस्याओं की पहचान और उसमें सुधार भी कर सकती है। अगली खबर आ रही है, WWE स्टार और एक्टर जॉन सीना ने शुक्रवार को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में पहुंचकर फोटोग्राफर के सामने अपने सिग्नेचर पोज यू कांट सी मी दिया। वो पारंपरिक भारतीय परिधान पहनकर विवाह स्थल पर पहुंचे। सामने आए एक अन्य वीडियो में उन्हें साफा पहनते हुए भी देखा गया है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में MLC चुनाव में 11 सीटों में से NDA के सभी 9 उम्मीदवारों को जीत मिली है, जबकि महाविकास अघाड़ी के 3 में से 2 उम्मीदवारों को जीत मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव में 6 विपक्षी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। महाराष्ट्र के मंत्री व BJP नेता गिरीश महाजन ने बताया है कि हमें विपक्ष के वोट मिले हैं। अगली खबर आ रही है, बिहार कैबिनेट की शुक्रवार को हुई बैठक में 48 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार ने छठे वेतन आयोग के तहत आने वाले अपने कर्मियों पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता राहत को 230% से बढ़ाकर 239% और पांचवे वेतन आयोग के तहत आने वाले अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 427% से बढ़ाकर 443% करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने BJP नेता स्मृति ईरानी या किसी अन्य नेता के खिलाफ बुरा व्यवहार और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, जीवन में हार जीत लगी रहती है, किसी को नीचा दिखाना या किसी का अपमान करना शक्तिशाली होने की नहीं कमजोरी होने की निशानी होती है। अगली खबर आ रही है, नारायण साकार हरि भोले बाबा के बचपन के दोस्त नाजर सिंह ने बताया है, भोले बाबा दूध से नहाता था और उसी दूध की खीर बनाकर भक्तों में बांटता था। उन्होंने कहा, उसके पास पहले कोई शक्ति नहीं थी, अब भी कोई शक्ति नहीं है। हादरस में हुए सत्संग में भगदड़ में 121 लोगों की मौत हुई थी। आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जल्द ही UPI इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए क्रेडिट लाइन सुविधा शुरू करने वाला है। ये सुविधा क्रेडिट कार्ड की तरह काम करेगी और UPI अकाउंट से जुड़े बैंक खाते में पैसे ना होने पर भी ग्राहक पेमेंट कर सकेंगे। निगम के मुताबिक हर ग्राहक को उसके सिबिल स्कोर के हिसाब से क्रेडिट लिमिट मिलेगी। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने लापरवाही बरतने और लंबे समय तक बिना सूचना के ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के चलते विभिन्न जिलों के 17 चिकित्सा अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। पाठक ने एक्स पर लिखा, जनमानस की सेवा का दायित्व मिलना व स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना सौभाग्य है, इसमें किसी भी लापरवाही का स्थान नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शुक्रवार को अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में रियलिटी TV स्टार किम कर्दाशियां और उनकी बहन क्लोई कर्दाशियां ने साड़ी पहनी। मुंबई के जियो वर्ल्ड कनेक्शन सेंटर में हो रही अनंत और राधिका की शादी में देश विदेश से विभिन्न जगत की हस्तियां पहुंची हैं। इन हस्तियों में पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर और बोरिस जॉनसन शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार पुरुषों को प्रतिदिन 37.5 ग्राम या 9 चम्मच से ज्यादा एडेड शुगर नहीं खानी चाहिए। महिलाओं को प्रतिदिन 25 ग्राम या 6 चम्मच से ज्यादा एडेड शुगर नहीं खानी चाहिए। WHO वयस्कों और बच्चों के लिए प्रतिदिन टोटल एनर्जी इनटेक के 10% से कम चीनी के सेवन की सलाह देता है। चलिए बढ़ते हैं एक महत्वपूर्ण खबर की तरफ। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि मोरी गांव असम में कंचनचंगा एक्सप्रेस ट्रेन से टकराने के बाद एक हाथी की मौत हो गई है। घटना के बाद का वीडियो सामने आया है जिसमें हाथी लड़खड़ाकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है लेकिन पिछले पैरों के बल पर खड़ा नहीं हो पाता। इसके बाद हाथी पटरी पर ही गिर जाता है। अगली खबर है थाने से। थाने में एक 11 वर्षीय कक्षा के छात्र ने एक छात्रा के बारे में सोशल मीडिया पर कथित रूप संदेश भेजने के कारण स्कूल के निदेशक द्वारा पिटाई किए जाने के बाद फांसी लगा ली है। मामले में निदेशक को गिरफ्तार किया गया है। निदेशक ने कथित तौर पर छात्र और 2 अन्य को निष्कासित करने की धमकी दी थी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस देश का नेतृत्व करने के योग्य है। बकौल बाइडेन, कमला ने महिलाओं की स्वतंत्रता के मुद्दे को संभाला है और उनमें लगभग सभी मुद्दों को संभालने की क्षमता है। हालांकि बाइडेन ने कहा है कि उन्हें लगता है कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार हैं। एलन मस्क की कंपनी SpaceX ने बताया है कि गलत कक्षा में तैनात किए गए 20 स्टारलिंक सैटेलाइट्स वापस पृथ्वी पर आकर क्रैश कर जाएंगे। अगली खबर आ रही है Zomato से। Zomato ने एक नया फीचर लॉन्च किया है जिसके तहत यूजर्स अपने ऑर्डर हिस्ट्री से ऑर्डर डिलीट कर सकते हैं। कंपनी के CEO ने कहा,
ये फीचर कई यूजर्स की मांग पर लॉन्च किया गया है। पिछले साल एक यूजर ने कहा था कि वो देर रात तक Zomato से ऑर्डर नहीं कर सकता क्योंकि ऑर्डर हिस्ट्री से उसकी पत्नी देख लेती है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। DW की रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी स्थित टेस्ला की एक फैक्ट्री से 65,000 कॉफी मग गायब हो गए हैं। फैक्ट्री के मैनेजर आंद्रे थियरिंग ने कहा, हमने 65,000 कॉफी मग खरीदे थे। आंकड़ों के हिसाब से देखे तो सभी कर्मचारी के पास 5-5 मग होंगे। मैं नए कॉफी मग खरीद खरीद कर थक चुका हूँ। फैक्ट्री में 12,000 कर्मचारी है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। ट्रेनी IAS अधिकारी पूजा खेड़कर की माँ मनोरमा खेड़कर का हाथ में पिस्तौल लेकर वीडियो सामने आने के बाद पुणे ग्रामीण पुलिस ने मामले में एक्शन लेते हुए FIR दर्ज की है। वीडियो में पूजा की मां पिस्तौल लेकर पुणे में किसानों को धमकाती दिखती है। वहीं किसानों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। नासा के अंतरिक्ष यात्री मैथ्यू डोमिनिक ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ली गई पृथ्वी के वायुमंडल की तस्वीर शेयर की है जिसमें रेड स्पॉट्स दिख रहे हैं। रेड स्पॉट्स बड़े पैमाने पर बिजली के डिस्चार्ज होते हैं जो मेसोस्फीयर में गरजने वाले बादलों के ऊपर होते हैं। डोमिनिक ने एक्सपर्ट तस्वीर शेयर कर इसे दुर्लभ घटना कहा। अगली खबर आ रही है। सूरत गुजरात में 8 कैरेट के लैब ग्रोन डायमंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि उकेरी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 25 से अधिक कारीगरों ने मिलकर करीब एक माह में इस हीरे पर प्रधानमंत्री की छवि बनाई है। बकौल रिपोर्ट्स इस हीरे को एक प्रदर्शनी में रखा गया था लेकिन ये प्रधानमंत्री को तोहफे में दी जाएगी। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अनंत अंबानी से शुक्रवार रात शादी करने वाली राधिका मर्चेंट ने अपनी विदाई में फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा का बनारसी ब्रोकेट लहंगा पहना। लाल रंग के इस लहंगे के ब्लाउज पर असली सोने की करचोबी कढ़ाई की गई थी जो कच्छ गुजरात की समृद्ध वस्त्र विरासत से प्रेरित है। उन्होंने लहंगे के साथ बनारसी दुपट्टा पहना था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार कैबिनेट की शुक्रवार को हुई बैठक में मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो परियोजना के लिए 702 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा पटना समेत अन्य शहरों के लिए 1032 करोड़ से 400 बसें खरीदने का फैसला लिया गया है। वहीं सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान मरने वाले मजदूरों के आश्रित को अब 30 लाख मुआवजा दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अभिनेत्री कटरीना कैफ अपने पति अभिनेता विकी कौशल के साथ शुक्रवार को अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में गए। लाल रंग की साड़ी में पहुंची कटरीना का वीडियो सामने आया है जिसके बाद उनके गर्भवती होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। एक यूजर ने वो गर्भवती है कमेंट किया जबकि एक अन्य ने कटरीना बेबी आने वाली है। बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी में गंगा नदी पर 1200 करोड़ की लागत से बनने वाले सिग्नेचर ब्रिज का एनिमेटेड वीडियो एक्स पर शेयर किया है। इस पुल पर 6 लेन की सड़क होगी और उसके नीचे रेलवे के 4 ट्रैक बिछाए जाएंगे। यूपी सरकार के अनुसार इस ट्रैक पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से ट्रेनें चल सकेंगी। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के तीसरे कार्यकाल का एक महीना पूरा होने पर एक्स पर 10 बिंदु शेयर किए हैं। पार्टी ने लिखा, इस एक महीने में क्या क्या हुआ, भीषण ट्रेन हादसा, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले, नीट पेपर लीक, UGC नेट पेपर लीक, दूध, दाल, सब्जी, गैस व टोल टैक्स महंगा और रुपए में रिकॉर्ड गिरावट। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर से एक बार देश और दुनिया की खबरों के साथ।